हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9A का 11th वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमेशा की तरह जो आगे के वीडियोस रहेंगे उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर बना हुआ है यहाँ पर ओ ए और ओ बी आपस में इक्वल है। देखो ओ से लेकर के ए तक और ओ से लेकर के बी तक ये जो हमारी साइड्स है ना आपस में इक्वल है। साथ ही साथ जो ओ पी और ओ क्यू है ये भी इक्वल है। तो ओ से पी तक ये वाला और ओ से लेकर के क्यू तक ये वाला, ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल बता दिए। अब आपको प्रूफ करना है कि जो पी एक्स और क्यू एक्स हैं वो भी इक्वल हैं। तो पी एक्स कहाँ पर बन रहा है, देखो यहाँ पर पी से लेकर के एक्स तक और क्यू से लेकर के एक्स तक। साथ ही साथ जब ये प्रूफ हो जाए तो उसके बाद एक और चीज़ आपको प्रूफ करना है कि जो ए एक्स और बी एक्स है ना वो भी इक्वल हैं। तो ए एक्स ये वाला और बी एक्स ये वाला। तो देखो अगर अपने को इनको आपस में इक्वल प्रूफ करना है, ये साइड को और ये दोनों साइड को, तो अगर मैं ये वाला ट्रायंगल को और ये ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दूं तो ये जो साइड्स हैं ऑटोमेटिकली हमारे करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएंगी। और करस्पॉन्डिंग साइड क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो मेन अपने को फोकस करना है इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने में। लेकिन अगर यहाँ पर देखा जाए तो कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है इसके अलावा कुछ भी अपने को यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि और क्या चीज़ें ले सकते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करेंगे कि एकाध एंगल जो है ना उसको भी यहाँ पर इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे। वो कैसे बनाना है आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ। तो देखो सबसे पहले आप लोग क्या करो कि यहाँ पर जो हमारे पास बड़े बड़े ट्रायंगल है ना इनका आप लोग यहाँ पर से यूज़ कर सकते हो। जब आप लोग क्या करोगे इन दोनों बड़े ट्रायंगल्स को यहाँ पर आपस में अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर दोगी तो आपका ये जो एंगल रहेगा और यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल का एंगल ये क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा करस्पॉन्डिंग, चूंकि एंगल्स हैं हमारे पास। और जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा ये दोनों तो हमारे पास ये छोटे छोटे जो ट्रायंगल हैं उनको हमको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने में आसानी होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो बड़े वाले ट्रायंगल हमारे पास है ना, कौन सा ट्रायंगल, तो हमारा ओ क्यू ए वाला ट्रायंगल इधर और दूसरा हमारा ओ पी बी वाला ट्रायंगल, ये जो सीधा ऐसे राइट एंगल टाइप से दिख रहा है ये ट्रायंगल। तो इन दोनों कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना बहुत आसान है। कैसे है, तो सबसे पहले तो अपने को क्वेश्चन में क्या बोला था कि हमारे ये जो साइड है यानी इस वाले ट्रायंगल का नीचे जो हमारा ओ क्यू ए है, इस वाले ट्रायंगल का ओ क्यू और इधर वाला जो राइट एंगल वाला ट्रायंगल है इसका ओ पी जो है आपस में इक्वल है। तो इसको हम पहले बता देंगे कि हमारा जो ओ क्यू है वो इक्वल है ओ पी के और ये अपने को क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है, क्यों गिवन था अभी आपको समझ में आएगा। उसके बाद अब हमारा ये वाला अगर आप लोग एंगल देखोगे तो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। एंगल जो ओ है हमारा ये दोनों में आ रहा है। यहाँ पर आप लोग लिखो एंगल ओ जो है वो इक्वल है दोनों के लिए क्योंकि दोनों में ये कॉमन एंगल है हमारा, जैसे कॉमन साइड होता है वैसे ये कॉमन एंगल है। तीसरा क्या है, तो हमारा ये साइड हो गया और ये वाला एंगल हो गया, अब ये वाला साइड भी इक्वल है। देखो जो हमारा ओ पी है और इधर वाला हमारा जो ओ बी है, सॉरी ओ बी बोला था कि किसको, तो बोला था हमारा ओ बी को ही बोला था क्वेश्चन में कि हमारा ओ ए जो है और यहाँ से ओ बी जो है ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। ये भी हमने क्वेश्चन में शुरू में बताया गया था। तो ये भी आप बता दो कि मेरा ओ ए और ओ बी ये दोनों भी आपस में इक्वल है और ये कहाँ से पता चला, तो ये भी अपने को क्वेश्चन में गिवन था। तो हमारा देखो साइड एंगल और साइड वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट हो गए, यानी कि सो हमारा जो ट्रायंगल ओ क्यू ए है वो यहाँ से कॉन्ग्रेंट प्रूफ होता है हमारे ट्रायंगल ओ पी बी का। और अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसका नाम आप लोग एंगल, इस वाले ट्रायंगल का एंगल ए का नाम दे दो, यानी एंगल ए जो होगा हमारा वो इक्वल होगा हमारे एंगल नंबर बी के। और क्यों इक्वल हुआ, तो हमारा वो करस्पॉन्डिंग पार्ट है जिसको हम लोग सी पी सी टी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आप लोग सी पी सी टी कर दो। अब देखो अब हम लोग आते हैं ये जो छोटे छोटे हमारे पास ट्रायंगल है इनके, तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले तो लिखोगे ये वाला हमारा जो ट्रायंगल है इसका नाम, तो इसका नाम हम लोग क्या दे सकते हैं, ए पी एक्स दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिखो इन ट्रायंगल ए पी एक्स एंड दूसरा वाला जो ट्रायंगल ऊपर हमारा ये बी क्यू एक्स वाला ट्रायंगल बी क्यू एक्स, इन दोनों ट्रायंगल में हमारे पास क्या क्या मिल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारा यही एंगल मिल रहा है, देखो ये वाला जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ए एक्स पी जो हमारा है एंगल ए एक्स पी वो इक्वल हो जाएगा ऊपर वाले बी एक्स क्यू के इज इक्वल टू बी एक्स क्यू। और इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट है और वर्टिकली अपोजिट आपस में इक्वल होते हैं। यहाँ पर आप लोग बता दो कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है अपोजिट एंगल्स हैं। उसके बाद एक एंगल हो गया, दूसरा ये दोनों ये एंगल अभी हमने क्या किया, इक्वल प्रूफ किया है। तो यहाँ पर आप लोग कर दो कि जो हमारा इस नीचे वाले ट्रायंगल का एंगल ए है और ऊपर वाले ट्रायंगल का जो एंगल नंबर बी है इन दोनों को हमने क्या किया, इक्वल प्रूफ किया है। यहाँ पर आप लोग बता दो प्रूफ्ड, शॉर्टकट में यहाँ पर प्रूफ लिख दो। और थर्ड में हमारे पास क्या है, अब वो देखो हमने एंगल एंगल ले लिया ना, हमको क्या बोला गया था कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर इक्वल है किसके, इसके, और साथ ही साथ यहाँ से यहाँ तक की दूरी बराबर है हमारे इसके। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट भी क्या होगा, आपस में इक्वल ही होगा। कैसे निकलेगा वो समझो आप लोग, यानी जब हम लोग यहाँ पर एंगल एंगल ले लिए हैं अगर इन दोनों साइड को आपस में इक्वल प्रूफ कर देंगे तो एंगल एंगल साइड जो हमारा रूल होता है ए एस क्राइटेरिया उसके थ्रू क्या हो जाएगा, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हो जाएगा। तो अब ये दोनों साइड को कैसे इक्वल प्रूफ करेंगे वो समझना आप लोग ना। यहाँ पर आप लोग लिखना गिवन, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो मेरा ओ ए है यहाँ पर वो इक्वल है हमारे ओ बी के, ठीक है ओ ए इक्वल है ओ बी का। उसके बाद बताया गया था कि जो ओ पी है और ओ क्यू इक्वल है,
तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। अब आप लोग क्या करो, इसको आप लोग इक्वेशन वन ले लो और इसको आप लोग इक्वेशन टू ले लो, और यहाँ पर आप लोग इक्वेशन वन माइनस में इक्वेशन टू कर दो। तो अगर आप लोग वन में से टू को माइनस करते हो तो राइट वाला यानी लेफ्ट वाला हमारा माइनस होगा, राइट वाला ही माइनस होगा, यानी कि हमारा ओ ए से माइनस हो जाएगा ओ पी, और इधर हमारे पास ओ बी से माइनस हो जाएगा ओ क्यू। ठीक है, तो ओ ए माइनस ओ पी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ओ से लेकर के ए तक है, इसमें से अगर अपन इतना माइनस कर दें ओ से लेकर के पी तक, तो हमारा कितना बचेगा, ये पी से लेकर के ए तक बचेगा, जिसको हम लोग पी ए भी बोल सकते हैं और ए पी बोल सकते हैं। तो मैं ए पी लिख देता हूँ इन दोनों के जगह पर, यानी ये दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा ए पी आ जाएगा, और ए पी जो होगा वो मेरा इधर वाला क्या है, तो ओ बी माइनस ओ क्यू है। तो देखो यहाँ पर ओ से लेकर के बी तक में से अगर मैं माइनस करता हूँ ओ से क्यू तक, तो मेरा यही पार्ट बचेगा, क्यू भी बच जाएगा, तो इसको मैं बी क्यू लिख देता हूँ। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, इसका ए पी और इसका बी क्यू भी आपस में यहाँ पर इक्वल हो गया। ठीक, तो अब ये हमारा तीन चीज़ इक्वल हो गया। यहाँ पर आप इक्वेशन वगैरह लिखो, नहीं मत लिखो, छोड़ दो, यहाँ पर हमारा पहला ये वाला यहाँ पर हुआ, फिर ये सेकेंड, और ये हमने थर्ड यहाँ पर इक्वल प्रूफ किया। तो हमारा एंगल एंगल साइड वाले रूल से ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए। यहाँ पर आप लोग लिखोगे सो हमारा जो ट्रायंगल ए पी एक्स था वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है हमारे ट्रायंगल बी क्यू एक्स के, और कौन से रूल से हुआ ये भी बता देना। तो हमने एंगल एंगल तो प्रूफ किया ही, साथ में हमने एक साइड को भी इक्वल प्रूफ कर दिया, तो एंगल एंगल साइड रूल से हमारा ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग बता देना ना कि ये कौन से रूल से हुआ था, तो ये हमारा साइड एंगल साइड से हुआ था ना, तो इसको यहाँ पर साइड एंगल साइड रूल जरूर लिखना, एग्जाम में ये सब बारीक सी चीज़ों का ध्यान रखना, ये सब टीचर लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो हमारा दो चीज़ अब यानी दो ट्रायंगल आपस में, अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए, तो हमारा जो बचा हुआ साइड होगा वो भी आपस में इक्वल होगा। तो अपने क्वेश्चन में क्या क्या बोला था, पी एक्स और क्यू एक्स को इक्वल करने के लिए बोला था, तो पी एक्स और क्यू एक्स यहाँ पर आप लोग लिख दो कि इसीलिए हैंस हमारा जो पी एक्स होगा वो इक्वल होगा क्यू एक्स के। क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि ये हमारे क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट है, यानी कि सी पी सी टी है। दूसरा हमसे क्या बोला था कि ए एक्स और बी एक्स को भी आपस में इक्वल प्रूफ करना है, तो अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो इसका ये साइड भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। जब कभी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उसके जितने भी एंगल्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं, और जितने भी साइड्स हैं वो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो अपने को जितना जरूरत है उनको बस लिख दो, तो यहाँ से हमारा ए एक्स जो है वो इक्वल हो गया हमारे बी एक्स का, और ये भी हमारा वही करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो शॉर्टकट में सी पी सी टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो इस तरीके से आपको इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अगर अभी भी कुछ डाउट हो आपके मन में तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, उनका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।